नमस्ते। आज मैं आप सबों को आंख की देखभाल कैसे करें उसके ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने हम सभी मनुष्यों को आंख तो ठीक वैसी ही दी जैसा कि बाकी जीवों का। भैंस, गाय इत्यादि की आंखों को आपने देखा होगा, वे लोग अपनी आंखों से कितना काम लेते हैं और हम मनुष्य अपनी आंखों से कितना काम लेते हैं और आगे लेंगे आप सोच सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो अंग जोर प्राप्त करता है जीवन में वो हमारी आंखें ही हैं। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता जाएगा वैसे वैसे आंखों पर लोड बढ़ने ही वाला है। आप सभी समझते हैं, आजकल के बच्चे क्लासरूम में आप घुसें किसी भी विद्यालय के तो आपको दर्जनों बच्चे क्लासरूम में चश्मा चढ़ाए मिल जाएंगे। आखिर क्या कारण है? और ये सारे कारण आप सोच भी लें तो इनको दूर तो किया नहीं जा सकता है। तो हम अपनी आंखों का देखभाल करके ही अपनी आंखों को बचा सकते हैं। तो मूल बिंदु पर आते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग सूर्य के प्रकाश का सीधे सीधे सेवन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास अनेकों काम होते हैं, घर के अंदर रह करके ही किए जा सकते हैं ऐसे सारे काम। तो सूर्य की किरणों का अपना महत्व है। आँख की किसी भी बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं तो सुबह 6:30 बजे से पहले का जो सूर्य है, सूर्योदय के समय का, या फिर सूर्यास्त में 5:30 बजे के बाद का सूर्य है, उसको अगर आप 1 मिनट तक नंगी आंखों से देखते हैं तो आपके आंखों की शक्ति बढ़ जाती है, रोशनी बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है और आपके आंख पर सारे काम जो आप करते हैं उसको करते रहने के बाद भी जोर नहीं पड़ता है। तो ये सूर्य प्रकाश, सूर्य की बात हुई। उसके बाद है कि आप जब कभी बाहर से आते हैं तो पहला काम करें कि आंखों को पानी के छींटे से नम कर लें और तौलिया से पोंछ लें, तो इससे भी आपके आंख की जो रोशनी है वो अपने जगह पर कायम रहती है। तीसरी बात है कि विटामिन ए की कमी से आँख की बीमारियाँ होती हैं और विटामिन सी की कमी से आँख की बीमारियाँ होती हैं। तो इन दोनों कमियों को पूरा करने के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं, एक तो नींबू है जिसके द्वारा हम विटामिन सी प्राप्त करते हैं और एक हरा साग है जिससे हम विटामिन ए प्राप्त करते हैं। तो ये तीसरी बात थी कि इसको हमको भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और इसके अलावे क्या है कि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप नज़दीक की चीज़ों को तो देखते रह जाते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को देखने की आदत आपकी छूट जाती है। तो आपको रात में कम से कम एक बार सितारों को ज़रूर देखना चाहिए आसमान में, इससे आपकी जो दूरदृष्टि और नज़दीक की दृष्टि है दोनों में एक संतुलन कायम हो जाता है। और भी कई चीज़ें हैं जो आपको जब आप निगरानी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी आँख के लिए कौन सी चीज़ अच्छी होगी, क्योंकि जब आप कंसंट्रेट होते हैं अपने आँख के लिए ये सोच करके कि आखिर मेरी आँखें ठीक है या नहीं, तो आपको अंदर से एहसास उठता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे समय पर पानी पीना, ये भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो 70% तो हमारे शरीर में पानी है, पानी की कमी से भी आँख की रोशनी कम होने लग जाती है। तो इस तरह से हम अपनी आँखों की देखभाल कर सकते हैं, हम अपने आँखों पर फोकस करके अपनी आँखों को बचा सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अंग हमारी आँख है और इसी से हम आज के जीवन में ज़्यादा काम लेते हैं, तो इसकी देखभाल हमको ढंग से करनी चाहिए और चश्मा से बचना चाहिए। धन्यवाद।